प्रशांत, 11 बजे तक जो वोटर टर्नआउट था वो 25% के करीब था। अभी किस तरीके की आपको भीड़ दिखाई दे रही है? आपके पीछे तो काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, और जानने की ये भी कोशिश कीजिए प्रशांत कि आज लोग जब आए हैं अपना मतदान देने तो उनके दिमाग में क्या चिंताएं हैं, क्या मुद्दे हैं, जानने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मतदान का जो सिलसिला है लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान है उसे चालू कर दिया गया था और शाम 6 बजे तक ये मतदान करवाए जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, कतारों में लगकर अपना वोट डाल रहे हैं, क्योंकि वोट बहुत अहम होता है। आपसे जानना चाहेंगे अंकल, किन मुद्दों को लेकर आज अपना प्रतिनिधि चुनने आए? विकास, किस तरीके का विकास? सड़कों से लेके व्यवस्था तक पूरा सिस्टम। मैम, आपसे अगर बात करना चाहे कि महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, इन मुद्दों को लेकर सभी प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार किया, महिलाओं के लिए ये करेंगे वो, आपकी दृष्टि से किस तरीके का आप सुरक्षा चाहते हैं और किस तरीके का विकास चाहते हैं महिलाओं के लिए? ईजी हेल्प, अर्ली हेल्प एंड लाइक तुरंत हेल्प हो जानी चाहिए, मुद्दा खिसकना नहीं चाहिए, और बस यही सब। और सुरक्षा की दृष्टि से यही कि रातों में लाइक अवेयरनेस फैलानी चाहिए और लाइटें लगानी चाहिए, रातों में कैमरेज होने चाहिए, ये सब। जी बिल्कुल, देखिए और भी कुछ लोग हैं। भैया, आप युवा हैं, आपसे बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। किस तरीके से देखते हैं आप अपनी विधानसभा को विकास के लिए? सर, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और क्या कहते हैं, रोड वोड ये सब चीज़ें, कॉलोनीज की जो कंडीशन है, सीवर लाइन है, पानी की लाइन है, इन सब चीज़ों के लिए ही हम सब कुछ बेस्ट क्या कहते हैं अपनी वो चुन रहे हैं गवर्नमेंट। अंकल, अगर आपसे बात करें, आप किस तरीके से देखते हैं इन चुनाव को, क्योंकि आपने बहुत वोट डाले होंगे और बहुत विकास की बातें सुनी? देख रहे हैं, विकास तो हो ही रहा है, जो भी सरकार आती है विकास की कोशिश तो करती है, और उम्मीद है कि ये जो अब नई सरकार आएगी वो भी विकास कर। किस प्रकार की उम्मीद है नई सरकार? डेवलपमेंट अच्छा होगा, रोड्स के, रोड डेवलपमेंट्स होंगी, प्लस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सोसाइटी स्ट्रांग होगी, सोसाइटी में सब कुछ, सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट, नए विचारों के लोग आ रहे हैं तो उन लोगों नई चीज़ें डेवलप करने का मौका मिलेगा सरकार को भी। अंकल, आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप बताइए किस तरीके का विकास होना चाहिए, क्या हुआ और नहीं हुआ, तो किन मुद्दों को इस बार मद्देनज़र रखते हुए आप अपना प्रतिनिधित्व? विकास तो नॉर्मल, सब गरीब तबके को ऊपर उठना चाहिए। देखो मेन तो क्या है कि जो पैसे वाला वो तो पैसे वाला होते जा रहा है, लेकिन गरीब तबके को ऊपर उठ के तभी लगेगा कि विकास हुआ है। अगर जमीनी स्तर से बात करें, मान लीजिए आपकी कॉलोनी में आप विकास चाहते हैं, किस तरीके का विकास होना चाहिए ताकि आप भी ये समझ सके कि हाँ विकास हो रहा? साफ सफाई वगैरह मेन तो ये होता है कि रोज साफ सफाई वगैरह अच्छी तरह हो, पेड़ पौधे गवर्नमेंट की वजह से लग जाए, तरफ से लग जाए, और सिक्योरिटी हो, गार्ड वगैरह लग जाए। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके के काम होने चाहिए, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट और महिला सुरक्षा कई मुद्दों को लेकर बात की? फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे अभी एजुकेशन का पार्ट ही नहीं है, सो गवर्नमेंट को चेंजेस आने चाहिए करिकुलम में, एंड शुड ब्रिंग फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर द एजुकेशन ऑफ ऑल वुमेन ऑल्सो, स्पेशली फॉर वुमेन, बिकॉज इन टुडेज टाइम अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंटली हम वुमेन को नहीं बनाएंगे तो दे के नॉट आउटग्रो लाइक द अदर कंट्रीज, सो आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी ऐड करनी चाहिए कोर्सेज में। बेसिकली आपके पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर कुछ आपने सोचा होगा, क्योंकि 5 साल में एक बार बहुत अहम होता है ये एक वोट आपका, किन मुद्दों के विकास को लेकर आपने अपना प्रतिनिधि चुना? मैंने बेसिकली जाके बाकी स्टेट्स में डेवलपमेंट हो रहा है रिगार्डिंग, एक तो जैसे बताया अभी कि गरीबों को लेके फूड सर्विसेज, मतलब फ्री फूड सर्विस अवेलेबल नहीं है, शेल्टर सर्विस अवेलेबल नहीं है, आप देखते हैं कि कितने लोग अभी रोड पे ही सो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ अगर गवर्नमेंट कर पाए उस बेसिस पे हमने वोट दिया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर और भी कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूँ तो महिलाएं हैं वो ज़्यादा संख्या में अभी आपको मौजूद आएगी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भैया, आपसे बात करना चाहेंगे, किस तरीके का विकास चाहते हैं? विकास तो लाइक बेटर जॉब्स, और मैं वर्किंग क्लास में हूँ तो मैं तो चाहूँगा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आईटी के अंदर। अभी अपन अपना काफ़ी ज़्यादा जो ब्रेन है, जो इंडिया का जो टैलेंट है, अपना बहुत ज़्यादा यूएस वगैरह में इन्वॉल्व है, अच्छा तो अपने इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जो आईटी वालों के लिए। आपने कहा जॉब्स का, राजस्थान की अगर बात करें तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार की, और युवाओं के विकास, इन मुद्दों को लेकर खूब प्रचार प्रसार किया गया, आप कैसा विकास चाहते हैं युवा होने के नाते, क्या चाहते हैं सरकार?
करप्शन तो अब जहाँ पर किसी का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहेगा वहाँ पर करप्शन तो हमेशा हो गई, क्योंकि हर कोई अपना देखना चाहता है पहले। लेकिन अगर अपन थोड़ा ये करें कि खुद का फ़ायदा कम देख के अपन एक दूसरे को ज़्यादा सपोर्ट करें ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आज मैं हमेशा खुद का फ़ायदा देखूंगा तो वहाँ पर कोई ना कोई सफ़र ज़रूर करेगा, लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली सोचूंगा तो उसमें बेटर रहेगा मेरे लिए भी और मेरी सोसाइटी के लिए भी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.